तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अभिनव दीपू और आज फिर से एक नया व्लॉग के साथ हैं। और आप तो थंबनेल पिक्चर और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज किस चीज़ पे वीडियो बनने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, आज से गांधी सेतु पुल का जो पूर्वी लेन है वो बंद हो गया। कोई भी व्हीकल पूर्वी लेन से नहीं जाएगी। पूर्वी लेन पूरा कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है और इस लेन पे स्टार्ट होने वाला है कंस्ट्रक्शन। जैसे कि आप लोग को पता है कि महात्मा गांधी सेतु पुल का रिकंस्ट्रक्शन किया गया है, वैसे ही सुपर स्ट्रक्चर के साथ इसको भी रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और इसके लिए इस ब्रिज को किया जा रहा है बंद। तो आपको बता दें कि अगर आपको जाना हो हाजीपुर या हाजीपुर वाले साइड के लोग को अगर जाना हो पटना, तो आप नए वाले जो रिकंस्ट्रक्ट ब्रिज जो बना है, जो पश्चिमी लेन है, वो लेन का इस्तेमाल कीजिएगा। और वही लेन अप एंड डाउन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब आना भी उसी से रहेगा, जाना भी उसी से रहेगा। और किसी भी गाड़ी को बंद नहीं किया गया है, मतलब हेवी व्हीकल भी जाएगी और लाइट व्हीकल भी जाएंगे। और आपको बता दें कि ओवरलोडिंग पे फाइन है, बट ऐसा नहीं है कि ट्रक नहीं जाएगा, बस नहीं जाएगा, सारा गाड़ी जाएगा और आएगा। और इसके साथ साथ बता दें कि दोस्तों, आज से हो गया आज़ादी ख़त्म, क्योंकि बहुत सालों बाद मौका मिला था लोगों को कि इस ब्रिज पे दोनों लेन चालू रहे और बिना ब्रेक लगाए ट्रैवल करे। तो अगर एक लेन पे दोनों ट्रैफिक लोड रहेगा तो ऑब्वियस है कि जाम लगेगा। तो आने वाले टाइम में हम लोग को फिर से महात्मा गांधी सेतु पुल का जाम झेलना होगा, क्योंकि फेस्टिवल टाइम में तो जाम लगना ऑब्वियस है, क्योंकि ट्रैफिक लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि ये जो पुल है, ये लाइफलाइन है, मतलब नॉर्थ बिहार टू साउथ बिहार का जो कनेक्टिंग ब्रिज है, जो सबसे फेमस ब्रिज यही है और लाइफलाइन है। इस ब्रिज पे करीबन मतलब गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि 4 से 5 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब बिजी ये ब्रिज है। तो फेस्टिवल टाइम में क्या है कि यहाँ जाम लगना तो ऑब्वियस हो गया। तो आने वाले टाइम में हम लोग को मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि जाम तो झेलना फिक्स है, क्योंकि एक लेन पे दोनों लेन का लोड रहेगा तो ऑब्वियस है जाम लगेगा ही। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है और फिर से इस पर भी हम लोग को देखने को मिलेगा सुपर स्ट्रक्चर। तो दोनों सुपर स्ट्रक्चर अगर मतलब कंप्लीट हो गया, तब तो पूछिए मत, मतलब सब चीज़ ही चेंज हो जाएगा। और उसके साथ साथ बता दें कि इस ब्रिज को बचाने के लिए, मतलब रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे इस ब्रिज में राखी वाखी बांधा गया था, जैसा कि हम न्यूज़ में देखे थे। और इस ब्रिज को मतलब नहीं तोड़ा जाए, ऐसा मतलब हाजीपुर के साइड से जितने भी लोग हैं वो बोल रहे थे, क्योंकि क्या है कि बहुत सालों बाद उन लोग को भी मौका मिला कि आराम से ट्रैवल किया जा सके, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसको रिकंस्ट्रक्शन करना भी ज़रूरी है और रिकंस्ट्रक्शन के लिए बंद करना भी ज़रूरी है। तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा पहले की तरह, बट खैर कोई बात नहीं। तो आज का जो वीडियो था वो दोस्तों इसी पे था, थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करना था। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो या मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।